मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को राहत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिला पूर्ति विभाग द्वारा जून माह के पहले चरण में 1 जून से 15 जून तक कुल 93% खाद्यान्न का वितरण किया गया, जिसके संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि 20 जून से 30 जून के बीच राज्य सरकार द्वारा NFS योजना के तहत निःशुल्क राशन का वितरण किया गया। इस दौरान कुल 94% कार्ड धारकों को राशन वितरित किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 94.04% और ग्रामीण क्षेत्रों में 73.69% खाद्यान्न का वितरण किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि 5 जुलाई से 15 जुलाई तक NFS के तहत सभी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन का वितरण किया जाएगा। राशन वितरण के दौरान यदि किसी का अंगूठा ई पॉस मशीन में नहीं आता है तो इस दौरान मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से राशन मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क मिलने वाला राशन अब नवम्बर तक मिलेगा। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा मिलने वाला राशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर अगस्त तक निःशुल्क करा दिया गया है। उसके बाद 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने कहा, देखिए जून में जो हमारा वितरण हुआ था फर्स्ट फेज में PMGKY को हुआ था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, उस समय 93% हम लोग वितरण किए थे। फिर 20 जून से 30 जून के बीच जो हमारा NFS रेगुलर वितरण होता है उसको भी हम लोग 94% किए थे, जिसमें 94.04% हम लोग अर्बन में और 73.69% हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में वितरण किए थे। ये दोनों वितरण निःशुल्क था। अब इस महीने जुलाई में जो हमको NFSA का भी रेगुलर हम लोग वितरण करेंगे वो 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच। एक आपके चैनल के माध्यम से हम 2-3 बातें कहना चाहते हैं कि जिनका अगर अंगूठा मैच नहीं करता तो उनके मोबाइल पे मैं आपको बताऊं कि OTP आता है, तो OTP बेस्ड उनको खाद्यान्न दिया जाता है, तो वो 15 जुलाई को होगा, लास्ट दिन एक दिन रखा जाता है। और दूसरी चीज़ कि अब PMGKY के तहत माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसे बढ़ा के नवम्बर तक कर दिया गया, यानी कि नवम्बर तक अब निःशुल्क PMGKY के खाद्यान्न मिलेगा। और जून जुलाई अगस्त जो NFSA हमारा कंटिन्यू वितरण होता है वो भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है, यानी कि अगस्त तक दोनों हमारे फ्री रहेंगे। और फिर अगस्त के बाद सितंबर से NFSA रेगुलर वो जो भी 2-3 रुपये के मूल्य है उस पर वितरण होगा, और माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवम्बर तक सबको निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। ये 5 किलो प्रति यूनिट है, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल। इसमें एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरण होगा तो उसको यूनिट ही इकाई मानी गई है, चाहे वो पातगृहस्थी हो या अंत्योदय है। सपोज दैट अंत्योदय में अगर 5 यूनिट है तो उनको 25 किलो मिलेगा, 1 यूनिट है तो उनको 5 किलो मिलेगा, जबकि NFSA मेरा जो रेगुलर हम लोगों का वितरण होता है उसमें अंत्योदय कार्ड है, पातगृहस्थी को यूनिट माना गया है 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से, जबकि अंत्योदय को 35 किलो मिलेगा चाहे 1 यूनिट हो चाहे 2 यूनिट हो, ठीक है। तो अभी 5 तारीख से जो वितरण होगा वो NFSA रेगुलर है, और इसमें लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में थोड़ा हो जाते हैं कि हमको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में भी 35 किलो, तो उनको ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यूनिट के आधार पर उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलेगा, और जो NFSA रेगुलर है वो 35 किलो प्रति कार्ड के हिसाब से मिलेगा।